वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी के दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में यस yes, सी में दिए गए हैं दो तरह के केसेस जिनमें से एक है सामन केसेस दूसरा है वारंट केसेस लेकिन बच्चे अक्सर इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं सो so, इस वीडियो में हम इन दोनों का मतलब भी समझेंगे ये क्यों आए थे वो भी समझेंगे एंड एट द सेम टाइम इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे सो so आइए शुरू करते हैं समन केसेस के साथ सी समन केस को समझने से पहले हमें इस टर्म समन को समझना पड़ेगा कि ये समन का मतलब होता क्या है देखिए कभी कभी क्या होता है कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली होती है उसके लिए इन्हें जरूरत पड़ती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो किसी रिस्पेक्टिव पर्सन के पास होता है या फिर समटाइम्स इन्हें किसी का बयान लेना होता है अब तो उससे पूछताछ करनी होती है तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट क्या करता है कोर्ट एक लेटर भेजता है ऐसे इंसान को या तो आप अपेयर होइए खुद ही या फिर अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कोर्ट को तो डॉक्यूमेंट साथ लेके आइएगा इस तरह से एक लेटर भेजा जाता है उस इंसान के घर जिसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं इधर या फिर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कोर्ट के काम आ सकती है इसी लेटर को हम बोलते हैं समन यस समन का मतलब है वो लेटर जो कि कोर्ट के द्वारा आपके यहां आता है सो so दैट उसको देख के आप कोर्ट के पास जा सके और अपना बयान दे पाए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप उन्हें प्रोवाइड करा पाए एंड एट द सेम टाइम अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आप कोर्ट में सबमिट कर पाए समन इज अ कोर्ट ऑर्डर टू एन इंडिविजुअल टू अपीयर इन एटेसिट में आना है किस प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इसमें बट अगेन अपियर के साथ कभी कभी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए भी क्या होता है समन भेजा जाता है तो अब ये हम समझ गए कि समन का मतलब क्या होता है अब अगर बात करें समन केसेस की तो ये बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं समन केस की अकॉर्डिंग टू रिलेटिंग टू एन ऑफेंस ये बोलती है वारंट केस वाव कितने सिंपल डेफिनेशन है एक ऐसा केस जो वारंट केस नहीं है वही आपका क्या हो जाता है समन केस अब इससे आप क्या समझे इससे आपको ये समझना चाहिए कि वारंट केस को हमें समझे बिना समन के समझ नहीं आएगा आइए so, आगे बढ़ते हैं हम वारंट केस पे केस का ये बोलते हैं वारंट केस एक ऐसा केस होता है जिसमें वारंट इशू किया जाता है यस yes, जब कोई इंसान को हमें अरेस्ट करना होता है या उसके घर में हमें किसी तरह की सर्च ऑपरेशन करनी होती है तो ऐसे टाइम पे हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं और कोर्ट जो परमिशन देता है उसे हम बोलते हैं वारंट तो ये बोलते हैं वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग टू ईयर्स कहने का मतलब क्या हुआ मानिए ये एक इंसान है जिसका नाम है ए अब ए भाई साहब ने किसी का मर्डर कर दिया है और मैं ऐसे मान लेती हूँ कि मर्डर की सज़ा है डेथ पेनल्टी तो ऐसे सिनारियों में ये बनता है आपका कौन सा केस वारंट केस सो वारंट केस का हम डिसीज़न लेते हैं उस चीज़ पे बेस्ड कि ये ऑफेंस कितना हद तक पनिशबल है मतलब किस ऑफेंस पे कितनी पनिशमेंट है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं क्या वो वारंट केस है या फिर वो समन केस है वारंट केसेस कौन कौन से होंगे ये तीनों चीजें आपके सामने मैंशन है डेथ पेनल्टी वाले सिनेरियो, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला सिनारियो या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि दो साल से ज्यादा की होगी एंड एट द सेम टाइम से वारंट केस थोड़े से सीरियस नेचर के होते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जब मेजर की जाती है ऑफेंस की तो काफी हैवी निकलते हैं अब आप खुद सोचिए जब आप पनिशमेंट इतनी बड़ी दे रहे हैं कि डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो दैट मीन्स इंसान ने क्राइम भी उतना बड़ा किया होगा तो बिल्कुल ये ऐसा ही बोलते हैं कि वॉरेंट केसेस ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा हीनियस नेचर के होते हैं सीवियर नेचर के होते हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और इनकी पनिशमेंट यूजुअली वैरी करती है डेथ पनिशमेंट से लेके ऐसी जो कि दो साल से अब तक की होती है अब अगर मैं वापस आऊं समन केस पे तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि समन केसेस वो केसेस होंगे जिनमें पनिशमेंट किसी ऑफेंस की दो ईयर से कम की होगी यस yes, बिल्कुल बोला जा सकता है सो इन शॉर्ट बोलूं तो समन केसेस वो केसेस हैं में ऐसे ऑफेंसेस कवर किए जाते हैं जिनकी पनिशमेंट दो साल से नीचे तक की होती है लेकिन ऑन द अदर साइड वारंट केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट यूजुअली वैरी करती है डेथ पनिशमेंट से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि दो साल से ज्यादा की है सम आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अगर ऐसा है लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी लीगल टर्म्स आपके सामने यहाँ इस चैनल पे आने वाली हैं पास में भी आ चुकी हैं फ्यूचर में भी आएंगी इसी तरह से हम आपकी नॉलेज एनरिच करने की ड्यूटी निभाते रहेंगे बस आपको भी अपनी तरफ से एक छोटी सी ड्यूटी करनी है वो सब्सक्राइब का बटन दबा के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो